परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूँ आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अभी असली मंजिल पाना बाकी है, नेक इरादों का पूरा इम्तिहान बाकी है, खिदमत करने के लिए तोली है सिर्फ मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। शुरुआत इस बार नए तरीके से है, तो अंदाज भी इस बार नया ही होगा। करेंगे इस कदर कौम की खिदमत कि हर बार नजारा देखने लायक होगा। आपको बता दें कि आज रोज सूरत के लिम्बायत विस्तार में फैजे वेलफेयर एड द्वारा अंजुमने तालीमुल मुस्लिमीन मलिकपुर सूरत और मजलिसे फैजे सुलेमानी मोटी नरोली के सहयोग से स्कूली बच्चियों को नोटबुक वितरित की गई। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में विशेष मेहमान के तौर पर आलिम दीन हजरत कारी अहमद अली फलाई साहब और प्रेसिडेंट ऑफ लेट यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट हाजी जुनेद भाई ओरावाला ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई। किसी ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा बेमिसाल मेहरबान होगा अरशे बरी पर। इसी तरह फैज़े वेलफेयर एड जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन के जाने माने और मशहूर ट्रस्ट हैं और हर पल हर दम समाज सेवा करने के लिए मानवता महकाने के लिए तत्पर है, ऐसे जाने माने और इंसानियत की मिसाल माने जाने वाले और शहर के अलग अलग कस्बों में बसे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालक हिंदी माध्यम, गुजराती माध्यम और उर्दू माध्यम स्कूलों में 1000 नहीं 2000 नहीं बल्कि करीब 14000 नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के अनोखे कैंपियन का अद्भुत आगाज किया गया है। आपको बता दें कि आज रोज भी सूरत के लिम्बायत विस्तार में स्थित जनाब मिर्ज़ा गालिब कन्या प्राथमिक स्कूल नंबर 35 में आज रोज फैज़े वेलफेयर एड ट्रस्ट द्वारा और अंजुमने तालीमुल मुस्लिमीन मलिकपुर सूरत और मजलिसे फैज़े सुलेमानी मोटी नरोली इन दोनों ट्रस्ट के सहयोग से स्कूली बच्चियों को नोटबुक वितरित की गई। आपको बताते चले कि इस नोटबुक वितरित कैंपियन में आज से तारीख 4 से लेकर आने वाली तारीख 8 तक शहर के अलग अलग कस्बों में बसी सभी नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालक स्कूलों में करीब 14000 से ज़्यादा नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इस नेक मकसद और नेक इरादों को भरपूर मुहिम की शुरुआत आज से की गई है। आज से लेकर और 4 से 5 दिन इसी तरह मानवता इंसानियत और कौमी एकता और कौम की खिदमत की मिसाल कायम की जाएगी। आयोजित इस प्रोग्राम में विशेष मेहमान के तौर पर आलिम दीन इंटरनेशनल दीनी मोटिवेशनल स्पीकर दीनी हजरत जनाब हजरत कारी अहमद अली फलाई साहब और इंसानियत और मानवता के बादशाह प्रेसिडेंट ऑफ लेट यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट हाजी जुनेद भाई ओरावाला ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई और साथ ही शहर की जानी मानी हस्तियाँ और सलमान भाई पटेल सहित और सभी भी महानुभवी खुसूसी मेहमानों ने प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट जावेद भाई धेंदेन और इकबाल भाई और उनकी अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में शामिल सभी खुसूसी मेहमानों को गुलपोशी देकर और शाल पहनाकर और गेस्ट ऑफ होनर को मोमेंटो ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया और इस प्रोग्राम को पूरी तरह शानदार बनाने में स्कूल स्टाफ प्रिंसिपल टीचर्स का भी अहम सहयोग रहा और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जनाब मिर्ज़ा गालिब स्कूल में जमा हुए हैं और ये लिम्बायत में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का हमारा पहला प्रोग्राम है। मैं ज़रा थोड़ी बात लंबी करूँगा और ये बताऊँगा कि टोटल क्या प्रोग्राम्स है। तो हमारा आज का ये पहला प्रोग्राम जो आज 4 जुलाई को हुआ जनाब मिर्ज़ा गालिब स्कूल में, 5 जुलाई को प्रोग्राम है सुमन हाई स्कूल में और इसी तरह 5 जुलाई को दूसरा प्रोग्राम है गोल्डन आवास में और 6 जुलाई को 3 प्रोग्राम है, पहला कोसाड़ आवास H1 में,
फिर दूसरा कोसाड़ आवास H2 में, फिर तीसरा श्री चोखा मेड़ा H1 में, फिर फ्राइडे के दिन कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सैटरडे के दिन प्रोग्राम होगा, वो दो प्रोग्राम होंगे, एक कमरू नगर स्कूल में और एक राम प्रसाद बिस्मिल स्कूल में। टोटल यहाँ पे 14,000 नोटबुक्स का तकसीम होगा और ये 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह 8 जुलाई को अल्लाह के फजल व करम से ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। कौन से ट्रस्ट ने इसमें सबसे बड़ा ट्रस्ट अगर कोई है तो फैज़ वेलफेयर एड ट्रस्ट है, जिनके बानी मबानी हजरत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अली फलाही, नंबर 2 मौलाना शोएब पटेल, नंबर 3 मुफ्ती अफीफ और इनके मुतालिकीन मुतालिकात और मोहसिनीन और मोहसिनात, इनके साथ दूसरे काम करने वाले। असल प्रोग्राम तो इन्होंने रखा लेकिन सारा सुपरवाइजर जो हुआ है वो मलिकपुर के अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन से, और ये सारा थ्रू जो हुआ है वो हमारा ट्रस्ट मजलिस फैदे सुलेमानी से। क्या कहना चाहोगे ट्रस्ट वालों को? ट्रस्ट वालों को यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह ये आपकी बहुत अच्छी खिदमत है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ अगर दुनिया में कोई है तो वो इल्म है, वो नॉलेज है और एजुकेशन है, और इल्म नॉलेज एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नोटबुक है जिसमें लिखा जाता है, तो ये इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये कहो कि सबसे बड़ी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अल्लाह इन फैज़ वेलफेयर एड के तमाम ज़िम्मेदारों को कबूल फरमाए। बच्चों को यही मैसेज दूंगा जो मैंने अपने बयान में कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, यानी कम करने का मतलब है गेम्स पर, एपिसोड्स पर, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है उस पर अपना टाइम मोबाइल पर खर्च ना करें, तालीम पर खर्च करें, एजुकेशन पर खर्च करें। और ये मिर्ज़ा गालिब स्कूल में हमारे यहाँ देखो बहुत बड़े मास्टर, यहाँ के सबके बड़े सर उस्तादुल असातिज़ा, नफीस सर भी है, फिरोज सर प्रिंसिपल भी है, ऐसा बहुत अच्छा स्टाफ है और ये मेहनत करते हैं, ये बच्चियाँ बस इनकी कदर करें और अपने इल्म को आगे बढ़ाएँ।